नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आज हमारे साथ आशीष सर हैं। तो हम लोग आज डीप नॉलेज जो हमारी कम्युनिटी है उसके बारे में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर के दिमाग में, या फिर क्या मतलब आगे 5 सालों में वो कहाँ देखते हैं, तो उस पे बात करेंगे। तो मैं शुरू करना चाहूँगा कि जो हमारा भी एक फिजिकल मीट होने वाला है गाज़ियाबाद में, तो जैसे कि कृष्णमूर्ति अपने सेशंस करते थे या फिर जनरली जब फिजिकल मीट्स होते तो उनकी एक थीम होती है पार्टिकुलर, तो आप बजाय मतलब जो आंसर्स तो देंगे ही जो वहाँ पे पब्लिक आएगी अटेंडीज होंगे, उसके अलावा आप क्या उस मीट की थीम रखना चाहेंगे? बेसिकली इस बार जो हम लोग गाज़ियाबाद मीट में प्लान कर रहे हैं दिल्ली मीट में, वो रहेगा मेडिटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मेडिटेशन। एंड जो लोग भी ज़िनोगा के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ करके टीचर्स का रोल प्ले करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ ज़िनोगा टीचर, उस चीज़ को लेकर के हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, दो चीज़ें। तो अभी ये गाज़ियाबाद में हो रहा है, आगे और किन किन सिटीज़ में आप ये अपना मीट करना चाहेंगे? बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे ज़िनोगा बेसिक कोर्स के या WBX के या SPMT के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर हम जाकर के मिलेंगे लोगों से। दिल्ली और बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन है और बहुत मतलब इट्स वेरी गुड, बिकॉज लास्ट टाइम हमने किया था सितंबर में वहाँ किया, दिल्ली में किया था, बॉम्बे में अक्टूबर में किया था हमने। इसके पहले जब दिल्ली में किया था, दिल्ली के बाद इनफैक्ट दिल्ली में ही कुछ लोगों ने जिन्होंने अटेंड किया था उसी में से एक स्टूडेंट ने ही अभी जो गाज़ियाबाद की मीट है उन्होंने अपने घर पर प्लान रखा है। दिस इज़ वेरी गुड। तो ये सपोर्ट से होगा, जब स्पिरिचुअल मूवमेंट्स बेसिकली लोगों के होते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे लोग इकट्ठे करेंगे और स्टूडेंट्स को इकट्ठे करेंगे तभी फिजिबल हो पाएगा। जैसे हमको अभी कलकत्ता से कॉल आई है, हम लोगों को MP से, इंदौर से कॉल आई है, काफ़ी शहरों से कॉल आ रही है, बट ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो सके, स्टूडेंट्स इकट्ठे हो सके, उसी हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो जो हमारी डीप नॉलेज कम्युनिटी है जिसमें मतलब हम लोग कुछ कोर्सेज, जैसे हमारे पास ZBC कोर्स है, एक SPMT कोर्स है, मतलब हमें अपनी सेक्स की कंडीशनिंग को डील करने के लिए, तो इन द लॉन्ग टर्म जैसे कि 5 to 10 years आप इस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे हम इसे कहते हैं, इसे आप कैसे बिल्डअप करना चाहते हैं और कौन कौन से नए कोर्सेज में आप ऐड करना चाहेंगे? बेसिकली कोर्स बनता है टीचर से, अगर टीचर नहीं है तो कोर्स नहीं है। ऐसा कॉलेजेस, ढेर सारे कॉलेजेस खुल रखे हैं और टीचर से नहीं है, तो बच्चे बेचारे पढ़ के निकलते हैं उसके बाद नौकरी खोजते हैं बिकॉज उनको आता ही नहीं। ज़िनोगा बेसिक कोर्स इसलिए स्टार्ट हुआ था बिकॉज मैं एक ज़िनोगा का स्टूडेंट हूँ और फिर मुझे पढ़ाना था ज़िनोगा। इसी के साथ साथ जो हमने WBX बिजनेस बेसिक कोर्स इसलिए स्टार्ट किया हमने बिकॉज मैंने देखा कि पिछले 2-3-4 सालों में 10 सालों में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मेरी टीचिंग्स रही है, जो मैंने सीखा है, उसकी वजह से जो हमारे काम में बढ़ोतरी हो पाई है वो हम लोगों को शेयर करना चाहते थे। और यही चीज़ मेरा ही अपना ही एक्सपीरियंस SPMT में आया। अब आगे फ्यूचर में चल के मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, एक ज़िनोगा का ही एडवांस्ड कोर्स आएगा और एक ज़िनोगा मेडिटेशन कोर्स आएगा जिसमें कि प्रॉपर ज़िनोगा की कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं जो हम एक्चुअली कर सकते हैं, बिकॉज ज़िनोगा बेसिक कोर्स में हम पूरी की पूरी थियोरी और प्रैक्टिकल सीखते हैं, बट करने के लिए ग्रॉस लेवल पे दिख समझा रखा है कि क्या क्या करना है, बट उसमें बहुत सी बारीक छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे जो कि आप एक्चुअली कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में। तो वो दो चीज़ें आएंगी। स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत ढेर सारे कोर्सेज लेकर आएंगे और जहाँ तक रही बाकी कोर्सेज की बात, अलग स्ट्रीम्स की, अलग पढ़ाई की, अलग अलग करियर को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर, इवन पेरेंटिंग की, तो हम उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे कोर्सेज जिस हिसाब से हमको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि इस फील्ड में अपने आप को और पढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप कंप्यूटर साइंस में और आगे बढ़ते हैं, या सिमरन है, आप लोग अगर अपनी पढ़ाई को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोगों को पढ़ाएं, तो वी वुड लाइक टू हैव कंप्यूटर का कोर्स समथिंग, ऐसे ही टीचर्स के हिसाब से ही आगे कोर्स बढ़ेगा। ये जैसा भी आपने मेंशन किया कि मतलब कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ का कोर्स, एक एडवांस का कोर्स, तो उसके लिए जैसे कि हमें एक फ़िज़िकल स्पेस बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपने मतलब मेंशन भी किया है कि ZBC सेंटर, स्टडी सेंटर टाइप में, तो उसका आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कैसा होगा? देखिए हर चीज़ इवॉल्व होगी। ऐसे फ़िलहाल मुझे आज से 5 साल पहले जब मैं लखीमपुर आया था तो मुझे स्टूडेंट्स चाहिए थे जिनको मैं पढ़ा सकूं, तो वो स्टूडेंट्स मुझे 100, 200, 500 मिल जाते तो बड़ी खुशी थी, जो मुझे मिले डोनोल्स को मिले, और फिर उसके ज़रिए हम लोगों को आज ऑलमोस्ट 89,000
सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मतलब 89,000 लोग एक बार तो बटन क्लिक करके आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट हैं। जहाँ तक रहा सवाल फिजिकल सेंटर की, अभी तक जितने भी मैंने जगहों को विजिट किया है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जब मैं जाता हूँ तो एक तो मुझे चाहिए एक ऐसा सेंटर जहाँ पर ढेर सारे पेड़ हो सके और पेड़ों के नीचे आदमी बैठ करके अपने आप को एक्सपीरियंस कर सके। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, वो तो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ चलेंगी जिसमें कैंटीन रहेगा और काम, हम लोग तो डिटेल्स हैं, बट एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के शाम को 1 घंटे या सुबह आधे 1 घंटे के लिए डिस्कोर्सेस कर सकें। इस तरह से अभी हम लोग, आप देखेंगे जैसे जेरोगा बेसिक कोर्स जो बुद्धा की बायोग्राफी चल रही है, उससे मैं बहुत सीख रहा हूँ कि किस तरह से एक भिक्षु की लाइफ चलती थी। तो हम लोग भिक्षु तो नहीं है, बट हाँ हम सब मेडिटेटर्स हैं। तो जो जेरोगा बेसिक कोर्स सेंटर या डीप नॉलेज स्टडी सेंटर खुलेगा, वो एक ऐसा सेंटर रहेगा जहाँ पर आदमी को कोई कंपल्शन नहीं रहेगा किसी भी इंसान को, कि जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होता है कि आपको आना ही है, इतने घंटे पढ़ना ही है, इतने घंटे नहीं पढ़ना है। एट द सेम टाइम वहाँ पर एक्टिविटी चलती रहेंगी, मेडिटेशन एक्टिविटी चलेंगी, लाइब्रेरी रहेगा और वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी रहेगी, मेडिटेशन हॉल रहेगा, ढेर सारे जैसे मैंने कहा पेड़ रहेंगे, और आगे चल के हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा इट इवॉल्व हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग जो बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, एक तो ऑफिस और छोटा सा जहाँ पर हम लोग रहेंगे वो जगह बन गया है, और एक एक हॉल बन जाएगा अभी ऑलमोस्ट अगले 1 साल में हॉल रेडी हो जाएगा, जिसमें कि 2-3 रूम्स भी हो जाएंगे रेडी, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो लोग साल में 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आना चाहते हैं यहाँ पर, वो आ सकते हैं। इनफैक्ट एक हम लोगों का और जगह रेडी हो रहा है, रेडी इनफैक्ट जगह तो है ही, हम लोग को जाके प्लान करना होगा, ऋषिकेश में एक जगह है जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं प्रोग्राम, बट अच्छा। अभी वो पाइपलाइन में है, बट ये तो यहाँ पर तो काम चालू हो चुका है। तो सर जैसे अभी आपने मेंशन किया जेनोगा टीचर्स का, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या आप क्या चाहते हैं, मतलब। देखिए जब से मैं जब आया था जनों का पढ़ाने के लिए, तो मेरा अपनी लाइफ में जो ग्रॉस चेंजेस देखे मैंने, तो मुझे लगा कि ये तो पता होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है ऐसे ही किसी ने सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किए होंगे, मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है, लोगों को लगा होगा इससे बहुत लाइफ आसान हो जाती है। ठीक ऐसे ही जनोबा की जो टीचिंग्स है इससे मेरी लाइफ बहुत आसान हुई, और मुझे लगता है कि जो भी इस इन चीज़ों को सीख पाएगा और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएगा, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। तो टीचर्स वो लोग होंगे जो सचमुच में इन चीज़ों को पढ़ करके, जनोबा को पढ़ करके अपनी लाइफ में कम से कम साल, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए ट्राई करके देखेंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम थियरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद चले जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट वाला कोर्स नहीं है, बहुत से लोग पूछते भी हैं क्या सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स में। सर्टिफिकेट तो ठीक इट्स ए फॉर्मेलिटी, बट अगर आपने सचमुच में आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना सीख लिया है, तो फिर आप टीचर हो जाएंगे। फिर हम उनको हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे किस तरह से सिस्टमेटिकली इसको हेल्प कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को। उसमें बहुत से लोगों को हो सकता है इंग्लिश सीखना पड़े, बहुत से लोगों को आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़े, बट वो सब डिटेल्स है जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। बट बेसिक थिंग इज जिनकी लाइफ में जुनोगा की वजह से चेंज आया है, वो जुनोगा टीचर्स बन सकते हैं और वही लोग बनेंगे। एक सर और क्वेश्चन है कि मतलब इन फ्यूचर क्या आप मतलब जेनुगा पे अपने एक्सपीरियंसेस या फिर एक कमेंट्रीज ऑन जेनुगा करके कोई बुक लिख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ? एक्चुअली अनिल पता है मैं बुक तो लिख रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन अभी जैसे मैं मेडिकल जॉब करता हूँ तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का ड्यूटी आवर हो जाता है, और उसके बाद लिखने के लिए मैंने देखा है जो वीडियोस बनाते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं करना, हम लोगों को बैठ करके बोलना है, बट एक्चुअली लिखने के लिए यू नीड मोर पीसफुल एंड मोर हेल्दी एनवायरनमेंट, जो मुझे कम मिलता है। 2-3 महीने में एक बार छुट्टी मिलती है 1-2 दिन के लिए, तो वहाँ जाते हैं तो 2-3 पेज लिख लेते हैं फिर वापस आते हैं, बिकॉज राइटिंग इज डिफरेंट थिंग। तो अभी भी हम लोग इनफैक्ट एक डिपार्टमेंट ऐसा रहेगा जहाँ पर हम लोगों के जो वीडियोज़ हैं उसमें से हम लोग राइटअप निकाल सकें, पूरी की पूरी जनोगा को एक सिंपल और सिंपल भाषा में मैं चाहता हूँ हम लोग लिख सकें, जनोगा कमेंट्रीज़ में जिसमें मेरे एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, जो लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर पाए वो बुक निकालना चाहते हैं। जनोगा को हिंदी में हमको निकालनी है बुक, इतने लोग पीछे पड़े हैं, मतलब वेट कर रहे हैं बहुत से लोग, इनफैक्ट चल भी रही है बॉम्बे में, हम जो है डॉक्टर रमनानी वो भी काम कर रहे हैं ट्रांसलेशन पे। तो इनफैक्ट एक भाई साहब तो मराठी ट्रांसलेशन पे काम कर रहे हैं, एक तमिल ट्रांसलेशन पे काम कर रहे हैं, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, तो बट इट इट विल हैपन श्योरली, मुझे लगता है कि होगा, अगर हम लोग लगे हैं तो होगा जरूर। जो जर्नी है मतलब आपकी, मतलब बहुत ही लो नंबर में सब्सक्राइबर थे, लेकिन नंबर नहीं डिपेंड करता है, जो आप इतने सब्सक्राइबर्स हुए या फिर इतने कोर्स में स्टूडेंट्स एनरोल हुए, तो इसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको एंटी फ्रेजाइल बनाया हो या फिर आप वो शेयर करना चाहते हो?
पहले तो एंटी फ्रेजाइल क्या होता है? एंटी फ्रेजाइल चोट होती है, तकलीफ होती है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं। इनफैक्ट पूरी हम लोगों की जो जर्नी है वही एंटी फ्रेजाइल है। आपसे मिलने से पहले, डॉन बॉस्को में आने से पहले, मुझे याद है मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इलाहाबाद में एक स्कूल में मैंने प्रोग्राम चालू किया था, और उसमें हम लोगों ने रखा था 10 या 12 रुपए पर हेड चार्ज किया था, और 1 भी रुपए किसी ने भी दिए नहीं थे। बट मुझे बड़ी खुशी थी कि कम से कम मैं बोल करके आ सका। उसके बाद फिर अगला जो प्रोग्राम किया था हमने दिल्ली में किया था, और उसमें हमने डिसाइड किया था कि हमको खाली एक बच्चा चाहिए, और हमने चार्ज नहीं रखा, फीस नहीं रखी थी उसमें। उसमें ऑलमोस्ट 30 लोग आए थे। फिर उसके बाद एक एक बड़ा धक्का लगा था मुझे, और वो धक्का ऐसा एक दिन का नहीं था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम था। जब मैं स्कूल्स में जाता था तो वहाँ देखता था मैं कि टीचर्स कभी आने देते हैं, स्कूल्स वाले कभी अलाउ करते हैं, कभी नहीं अलाउ करते हैं। तो जो मैं रेगुलरिटी चाहता था बच्चों के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन, वो नहीं हो पाता था स्कूल्स में। तो फिर मैंने डॉन बॉस्को में स्टार्ट किया काम करना। डॉन बॉस्को में भी जब हमने ऐसा होता था कि कभी कोई क्लास मिल रही है, कभी कोई क्लास मिल रही है, तो फिर वहाँ से, खैर देखिए आप पूछ रहे हैं कि एंटी फ्रेजाइल कैसे हुए इस पूरी जर्नी में। एंटी फ्रेजाइल बहुत बार पता नहीं चलता कि आप हो रहे हैं अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं। इनफैक्ट हम लोगों को अब मालूम पड़ रहा है, बिकॉज जब से हमने बुक पढ़ी एंटी फ्रेजाइल की, तब से ये मालूम पड़ा कि ओ ये स्टेप है, इसके बाद हम लोग और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो स्टेप था वो मुझे लगता है कि हमारे जो चैनल की जो थी एक्टिविटी, उस पर जब स्ट्राइक लगा था, तो स्ट्राइक की वजह से ही हमारा प्राइम स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर हमारे कोर्सेज जो स्टार्ट हुए थे वो भी स्ट्राइक के बाद ही हुए। इनफैक्ट जितनी बार भी कोई एक झटका लगता है, उतनी बार हम सब रिवर्ट बैक आकर के, इनफैक्ट एक बहुत बड़ी एंटी फ्रेजिलिटी आई है जब से मैंने देखा है कि हम लोग, पता है ज़्यादातर क्या सोचते हैं, जब भी किसी काम को करने के लिए सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, और पैसा इकट्ठा करो और लगाओ, फिर काम आगे बढ़ाओ। अब तो ये क्वेश्चन ही हट गया है, पैसा लगेगा। अगर आपको कोई काम करना है, आप उसको स्टार्ट करो, अगर वो सचमुच में हेल्प कर रहा है तो वो बड़ा होगा, और अगर बीच में कहीं रुकता है तो उसको चेंज करो। इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को बहुत पैसा चाहिए और तभी काम हो पाएगा। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, आप पूछ रहे हैं एंटी फ्रेजाइल एग्जाम्पल्स, लखीमपुर आने का एक जो प्लान था वो भी ऐसा नहीं था कि मैं लखीमपुर आना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ आए थे, ये सेंटर देखा था, इससे दो अच्छे अच्छे सेंटर, अपोलो हॉस्पिटल का एक सेंटर था जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं पूरा प्लान बना चुका था वहाँ जाऊँगा। फिर किसी वजह से कोई ऐसा, मतलब ठीक रहा, अच्छा रहा, इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग, बट हम यहाँ लैंड अप हो गए। तो यहाँ लैंड अप हो गए तो बहुत ही, इट वॉज लाइक मिरेकुलस थिंग। तो अगर आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ वहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं। एंटी फ्रेजाइल के कुछ एग्जाम्पल तो ये हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 ढाई साल में हम लोगों ने कितने 28 लोगों के साथ इंटरव्यू किया है, 28 लोगों ने हमारे साथ काम किया है, किसी ने 1 महीने, किसी ने 6 महीने, किसी ने साल भर, और वो सब जब गए छोड़ करके, तो हम लोगों को और एंटी फ्रेजाइल किया है। और अब तो पूरा मोटो ही चेंज हो गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रोथ इन अ वेरी लाइव फॉर्म। आप लोग, शायद मैंने शेयर भी किया है ना, ये इंसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप जब ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो यू डोंट थिंक अबाउट कितने आपके पास कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कितने कस्टमर्स हो जाएंगे, कितने लोगों तक आप पहुंच जाएंगे, ये नहीं आप सोचते। आप ये सोचते हैं, एक एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि अगर आपको ग्रोथ को समझना है तो आप अपने काम को कितने दिन तक जिंदा रख सकते हैं, ऐसे सच, बस और कुछ नहीं। मेरा तो इस लाइफ का यही मोटो है कि अगर जनोगा मेरे इस ब्रेन में, मेरे इस मरने से पहले तक जिंदा है, तो मेरा काम हो गया, बस। उसके बाद अगली जनरेशन आएगी, वो उसको संभालेगी। आई थिंक यही तो किया है, सहर जी ने भी यही किया था, उसके पहले उनकी टीचर ने भी यही किया था, और उसके पहले शायद उनकी टीचर ने भी यही किया होगा, ऐसे शायद कृष्णा ने, जिन्होंने भी किया है उन्होंने किया होगा। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा।
हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं मेरे हिसाब से। हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है, उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक जिंदगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।